हो जय हो यीशु के जय हो 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 यीशु के जय हो जानता
है कि हम मिट्टी है, हम कमजोर है, और इसलिए हमें जिसने हमें बनाया हम उनके पास जाना चाहिए, ताकि वही हमें हमारे आंतरिक आत्मा में जो कुछ चल रहा है वो जानता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को बता नहीं पाते हैं मेरे दिल में क्या दौड़ रहा है, मेरे परिवार में क्या समस्या है, मगर यीशु जानता है। और जिस ईश्वर ने आपको परिवार के रूप में, पति पत्नी बच्चे के रूप में जोड़ा है, वही आपकी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं सभी परिवारों का आधार है ईश्वर, ईश्वर पिता सभी परिवारों का आधार है। और यदि यह आधार है, फाउंडेशन है, तो परिवार में होने वाले हर समस्याओं को वो सुलझा सकता है। इसलिए हमें ईश्वर के पास आना है, ईश्वर पर निर्भर रहना है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3:5 में पढ़ेंगे, सूक्ति 3:5 पेज नंबर 927 927। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। यस, बहुत सुंदर वचन, आप लोग मेरे पास बोलिए, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, और अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सभी कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। अब लोग आवाज बराबर निकल रही है, ठंडी के कारण शायद खुले आवाज से बहुत जोर से आवाज निकालने का। तो वचन हमें बताता है सारे हृदय से हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, और वही व्यक्ति भरोसा रखेगा जो नम्र है, जो ईश्वर पर निर्भर रहता है। अब वचन कहता है सभी कार्यों में उसका ध्यान रखो, इन्हें निरंतर ईश्वर हमारे आंखों के सामने रहने चाहिए, हमारे सोच में, हमारे कार्य में, हमारे हर बात में ईश्वर को हमारे दिमाग में हम रखना चाहिए। और वचन कहता है वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा, तुम्हारे मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करेगा, तुम्हारे मार्ग सही रास्ता आपको दिखाएगा। और इसलिए हमें प्रभु के पर भरोसा रखना है। और जब कभी हमारे जीवन में समस्या आ जाती है, वी मस्ट कंसल्ट गॉड, ईश्वर की परामर्श लेना चाहिए। और ईश्वर की परामर्श का स्वर्ग जाएंगे नहीं, ईश्वर वचन हमारे जीवन की हर समस्या के लिए इलाज है ईश्वर के वचन। इसलिए जब कभी हम ईश्वर की सलाह लेते हैं तो ईश्वर के वचन पढ़िए, ईश्वर वचन के द्वारा, क्योंकि वचन ही ईश्वर है, हमें समझाता है, रास्ता दिखाता है। और इसलिए स्क्रिप्चर मस्ट बिकम हम सबों के लिए एक मार्गदर्शक है, काउंसलर, परामर्शदाता, काउंसलिंग करते हैं बोलते नहीं, बाइबल इज द बेस्ट काउंसलर। हमारे हर समस्या में आप ढूंढिए, प्रभु के वचन पढ़िए, प्रभु हमें सही रास्ता दिखाता है। सूत्र ग्रंथ 119 वचन 24 में हम पढ़ेंगे, 119:24 तेरे आवेश मुझे अपार आनंद प्रदान करते हैं, तेरे निदान मेरा प्रबंध दाता है। ऐसा वो बोलिए, तेरे आदेश मुझे अपार आनंद प्रदान करते हैं, मुझे अपार आनंद प्रदान करते हैं, तेरा विधान मेरा परामर्शदाता है। परामर्शदाता मतलब काउंसलर। जब कभी हम रिट्रीट में जाते हैं, काउंसलिंग होते ही नहीं, तो वैसा ईश्वर स्वयं हमारे परामर्शदाता है। जब कभी हमारे जीवन में समस्या आती है, वी मस्ट कंसल्ट गॉड, ईश्वर के आदेश मुझे अपार आनंद प्रदान करते हैं। बाइबल खोलकर पढ़ने के लिए, सुन के लिए हमारे जीवन में आनंद और खुशी आने चाहिए। और ईश्वर हमें परामर्शदाता बनकर हमें रास्ता दिखाता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे यर्मिया के ग्रंथ अध्याय 10:23 में, यर्मिया 10:23
पेज नंबर 1189 प्रभु, मैं जानता हूँ कि कोई मनुष्य अपना मार्ग निश्चित नहीं करता, कोई जहाँ चाहता वहाँ नहीं जाता। यस, बोलिए मेरा बात। प्रभु मैं जानता हूँ कि कोई मनुष्य अपना मार्ग निश्चित नहीं करता, कोई जहाँ चाहता है वहाँ नहीं जाता। शायद हम सोचते होंगे कि मैं वहां जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, पर वचन कहता है जो जहाँ चाहता है वहां नहीं जा सकता जब तक ईश्वर की आदेश हमें ना मिला हो। हमारे जीवन की हर कदम को ईश्वर संभालता है, रक्षा करता है। इसलिए जहां जाना है ईश्वर हमें रास्ता दिखाता है, और यदि जहां जाना है, जहां क्या करना है ईश्वर हमें समझाता है, तो जरूर इसलिए हमें उनके परामर्श लेना चाहिए, उनसे सलाह हम लेना चाहिए, और उनसे सलाह और मार्गदर्शन हम लेते हैं बाइबल से, ईश्वर के वचन से। इसलिए घर से बाहर निकलने के पहले ईश्वर के वचन बोलिए, प्रभु आज मैं अभी घर से बाहर जा रहा हूँ, आपका मेरे लिए क्या योजना है, आप मुझे क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं, किस ओर मुझे बढ़ना है, मेरा काम कैसे करना है। बाइबल की एक अध्याय पढ़िए, प्रभु का परामर्श लीजिए, प्रेरित करेगा प्रभु यीशु आपको जहां जाना है, क्या करना है, कैसे मिलना है लोगों से। इसलिए वचन कहता है, यिर्मयाह नबी कहता है, हमारा हर एक कदम ईश्वर जानता है और संभालता है। स्तोत्र ग्रंथ 37:37-23 प्रभु की कृपा से मनुष्य दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता है, उसका आचरण प्रभु को प्रिय है। 37:23 बोलिए मेरा बात, प्रभु की कृपा से मनुष्य दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है, उसका आचरण प्रभु को प्रिय है। तो हमारा हर एक कार्य प्रभु के लिए प्यारे होते हैं, ईश्वर हमारे कार्य से प्रसन्न होता है जब हम उनकी कृपा से संचालित होते हैं। अब उनकी कृपा से हम प्रेरित होकर कार्य करते हैं, जब हम कार्य करने से पहले प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, समझने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए वचन बहुत प्यार से बताता है, प्रभु की कृपा से ही मनुष्य दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है, विद कॉन्फिडेंस। डाउट के लिए, शिकायत के लिए कोई जगह नहीं। जब हम प्रभु की कृपा से अपने जीवन का शुरुआत करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रहता है, और जब हम इस प्रकार कृपा से बढ़कर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसी कार्यों में, ऐसी जीवन से, ऐसी व्यक्ति से ईश्वर बहुत प्यार करता है। ऐसे व्यक्ति क्या वचन कहता है, ईश्वर को बहुत प्यारे होते हैं। जी हम प्यारे भाई तो बहनों, हमारे ऐसे एक महान ईश्वर है जो हमें कृपा देना चाहता है, परामर्श देना चाहता है, हमारे जीवन का हर कदम को संचालन करना चाहता है, और इसलिए हमें निर्भर रहना है, उनके ऊपर विश्वास करना है। यस, मेरा प्रभु के वचन सच्चा है, जीवित परमेश्वर का वचन है, वह मेरे मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे यदि हम इस पर प्रभु का वचनों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। 1 Samuel 2:9 में हम पढ़ेंगे, 1 Samuel 2:9 पेज नंबर 351 2:9 वह अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है, किंतु दुष्ट जन अंधकार में लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य अपने बाहुबल के कारण विजय नहीं होता। यह सब लोग मेरे बात बोले, वह अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है, किंतु दुष्ट जन अंधकार में लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य अपने बाहुबल के कारण मनुष्य अपने बाहुबल के कारण
पहले ही सूक्ति ग्रंथ हमने पढ़ा, मनुष्य तुम अपने बुद्धि पर निर्भर मत रहो, ईश्वर ने हमें बुद्धि दिया है ईश्वर पर निर्भर रहने के, ना कि हम अपने आप कार्य करने के लिए। और जब मनुष्य वचन कहता है अपने बाहुबल से, इसलिए हम में से जो भी व्यक्ति है यह भूल जाए कि मैंने किया है, ईश्वर अपने भक्तों के साथ रहता है, हमें कृपा से बलता है, हालांकि हमने नहीं मांगा, हालांकि आपने नहीं पूछा, ये ईश्वर के प्यार है, हमें संचालित करता है और हमें सफल बनाता है। इसलिए जो कुछ कार्य हम करते हैं सफल होते हैं, मत कहिए मैंने किया है, मेरी शक्ति से, मेरी बुद्धि से, मेरे समान बुद्धिमान होशियार कोई नहीं। वचन कहता है मनुष्य अपने बहुबल के कारण विजयी नहीं होता है, सब कुछ ईश्वर की देन है। और यदि शाम तक अपने घर लौट कर आते हैं, आपको बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये काम किया, ये काम, सभी कार्य अच्छा हुआ, ये ईश्वर की सभी तारीफ होती है, ईश्वर की प्रशंसा होनी चाहिए। और इसलिए हम शाम तक घर आने के बाद ईश्वर के सामने घुटने टेक कर, प्रभु यीशु आप मेरे कदमों को संभाला है, लेकिन रजिना वहां से यहां तक पैदल चलकर आई है, ईश्वर आपके कदमों को पत्थर से ठोकर खाने नहीं दिया। तो ये वचन कहता है वह अपने भक्तों की कदमों को रक्षा करता है, हमारे एक व्यक्ति जो कदम उठाकर चल जाए हैं, ईश्वर ने रक्षा किया, यहां तक पहुंचाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं ईश्वर कैसे छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे जीवन को सफल बनाना चाहता है, और इसलिए हम सबको निर्भर रहना है। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ विजय होते हैं सफल होते हैं, ईश्वर को तारीफ, ईश्वर को धन्यवाद सुनते हैं शाम को। जब हम कृपा से भरा जीवन जीते हैं, परमेश्वर भरा जीवन जीते हैं, ईश्वर हमसे प्रसन्न होता है। ऐसे जीवन जीने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। इसके लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने घरों में बाइबल है, कार्य शुरुआत करने से पहले शुरुआत परामर्श दीजिए, प्रभु आज मुझे क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हर कदम को संभालना है। ऐसे आदमी के पास हमें क्यों नहीं जाना चाहिए, ऐसे ईश्वर के पास हमें क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने बहुबल से, सामर्थ्य से कभी विजयी नहीं होता है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, हम सबों को ईश्वर ने आज इस गिरजाघर में ले आया है, अपने ताकत से नहीं, मगर ईश्वर हमारे कदमों की रक्षा करता है, मार्गदर्शन करता है, हम कितने भाग्यशाली है। आगे चलकर हम देखेंगे मत्ती 4:19 में आज की सुसमाचार। मत्ती 4:19 पेज नंबर 5। ईसा ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य से मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। बोलिए ईसा ने उनसे कहा, ईसा ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। कम से कम पढ़े लिखे होते हैं और उनके लिए ज्यादा संपत्ति नहीं है, छोटे झोपड़ी में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति में जाल है, नाव है, उनके जीवन के लिए सब कुछ वही है। और जो अपने जीवन के लिए सब कुछ है, उनके जीवन का आधार है, और उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब यीशु ने बुलाते हैं मेरे पीछे चले आओ, तो वे अपना नाव छोड़ देते हैं, अपने जाल छोड़ देते हैं और यीशु के पीछे हो लेते हैं। देखिए उन्होंने कभी यीशु के बारे में सुना नहीं, देखा नहीं, पहली बार। इसका मतलब ईश्वर की वचनों में सामर्थ्य है, ईश्वर की वचनों में शक्ति है, ना उन्होंने उसके बारे में कभी सुना नहीं, क्योंकि पहले बार यीशु बाहर दुनिया में निकल रहे हैं और बोल रहे हैं तुम मेरे पीछे आओ। ईश्वर की वचन शक्तिशाली है और इसलिए यह ईश्वर के वचन, वही यीशु के वचन बाइबल है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। यदि प्रेरितों को, पेत्रोस और आंद्रियास को अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आने के लिए उन्हें प्रेरित करता है, तो हमारे जीवन का मार्गदर्शन क्यों नहीं करेगा। यह शक्तिशाली वचन हमारे जीवन को भी परिवर्तित कर सकता है, नयापन दिखा सकता है, सही रास्ते पर हमें ले जा सकता है। सामर्थ्यवान शब्द है,
वचन सुनते ही अपने जीवन के लिए सबसे प्यारी चीज नाम है और जाल है उसे छोड़कर वापस आते हैं यीशु के पीछे। यह इसका अर्थ यही है वे कितने सिंसियर है ईमानदार है यीशु के अनुसरण करने के लिए। इट शोज द एविडेंस ऑफ देयर सिंसियरिटी यीशु के पालन करने में और यीशु के पालन करने में अनुसरण करने में वे सब कुछ त्यागने के लिए भी वे तैयार है फॉरसेक एवरीथिंग जो उनके जीवन के लिए प्यारे। आपके जीवन में प्यार क्या होती है ममता सुजन? मेरे जीवन में फादर जी मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत प्यारी है, मेरे पापा मेरे लिए प्यारी, मेरे नानी मेरे लिए प्यारी है कि नहीं? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए या बच्चों के लिए माँ बाप प्यारे होते हैं और जब यीशु बुलाते हैं माँ बाप को भी छोड़कर वे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईश्वर के वचन में सामर्थ्य है शक्ति है सबको छोड़ने के लिए तैयार होते हैं और जब यीशु को बुलावे तो सुनकर जवाब देते हैं। उन्हें नहीं मालूम उनके भविष्य में क्या होने वाले हैं और भविष्य में यही हुआ अत्याचार दुख संकट और अंत में मृत्यु सामना किया। कॉन्सिक्वेंस परिणाम तो उन्होंने देखा नहीं। यीशु के अनुसरण करने से मेरा परिणाम क्या होगा एक क्षण में उन्होंने बैठकर सोचा। इतनी सामर्थ्यवान है ईश्वर के वचन वे यीशु को पीछे ओल जाते हैं और ऐसी साधारण मछुआरों के द्वारा स्थापित किया हुआ कलीसिया आज भी विद्यमान है और दुनिया के अंत तक रहेगा। What is the meaning of that? साधारण मछुआरों के द्वारा बनाया हुआ स्थापित किया हुआ कलीसिया चर्च जिसको हम कहते हैं आज भी विद्यमान है और हम सब उसके अनुयायी है और दुनिया के अंत तक ये चर्च कलीसिया बने रहेगी। What is the meaning of that? इसका मतलब यही है कि हमारे धर्म के पीछे हमारे आचरण के पीछे यीशु का हाथ है। यदि सारे बच्चे बनाए कले से आज तक चलेंगे क्या? जो अनपढ़ और साधारण लोग इसका अर्थ यही है कि हमारा धर्म सच्चा है और रिलीजन भी सच्चा है क्योंकि आज भी बना हुआ है इसके पीछे यीशु के हाथ है और इसलिए यदि हाथ नहीं आए कलीसिया चले गई क्योंकि हमारे ऊपर निर्भर नहीं कलीसिया का संचालन करना। साधारण मच्छी पकड़ने वाले जिन्होंने चर्च बनाया और आज भी विद्यमान है दुनिया के अंत तक चलेगा इसका मतलब है हम सच्चा धर्म का पालन कर रहे हैं। यीशु हमारे पीछे है हमारे साथ है हमारे मार्गदर्शन करते हैं और हमारे रक्षक है। इसलिए आप संदेह मत कीजिए मुझे चर्च जाने से क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा क्योंकि हमारा धर्म यदि 2000 साल से बनी हुई है और दुनिया के अंत तक बने रहेंगे। इसका मतलब यदि साधारण मच्छी पकड़ने वाले कुछ बनाने साज में रहेगा नहीं रहेगा पर इसके पीछे यीशु के हाथ है। ईश्वर इसकी रक्षा करता है ईश्वर इसके मार्गदर्शन करता है और इसलिए हम उस कलीसिया के सदस्य है जिसको ईश्वर मार्गदर्शन करता है संचालित कर। इसलिए हम सबों को गर्व होना चाहिए मैं ऐसी कलीसिया और हमारा चर्च हमारी कलीसिया हमारे धर्म सच्चा है झूठ नहीं है। यदि झूठ होता तो आज तक कलीसिया क्रिस्तीय धर्म अस्तित्व में नहीं रहता बना हुआ है और बना रहेगा क्योंकि ईश्वर इसके साथ है। आगे चल के पढ़ेंगे ईश्वर कैसे साधारण लोगों को इस्तेमाल करके इतने महान कार्य करता है अनपढ़ लोगों को इस्तेमाल करके कलीसिया की स्थापना करता है इसी बात को संत पौलुस हमें बताते हैं पहला कुरिन्थी अध्याय 1:27 में। पहला कुरिन्थी 1:27 पेज नंबर 253 ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्य मान्य लोगों का घमंड दूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व न करे। कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व न करे। आगे चलके मेरे पास बोलिए ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए
ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। साधारण बच्चे पढ़ने वो लोग क्या बोलेंगे, तो अनपढ़ गवार है, लोग ऐसे बोलेंगे नहीं तुम क्या आपसे बच्चे पढ़ना आता है, आप दुनिया जानते हैं। जी हाँ, ऐसे ही गवार लोगों को ईश्वर ने चुना है क्योंकि वह दुनिया की दृष्टि में जो मूर्ख है उन्हें चुनकर बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए। और इसलिए हम में से कोई भी व्यक्ति यह घमंड नहीं कर सकता कि हम होशियार है, बुद्धिमान है, सब कुछ ईश्वर मूर्ख लोगों के इस्तेमाल करके उन्हें योग्य बनाता है। कमजोर लोगों को ईश्वर चुनता है और उन्हें योग्य बनाता है जिससे कोई भी व्यक्ति घमंड ना करे। आगे चलकर बोलिए, शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। दुर्बल लोग, मूर्ख लोग ईश्वर के लिए बहुत प्यारे होते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर चुनकर अपने कार्य संपन्न करता है। इसलिए हम में से कोई व्यक्ति यह नहीं बोल सकता कि मैं कुछ नहीं कर सकता यीशु के लिए, बोल सकते हैं क्या? क्योंकि यीशु को चाहिए दुर्बल। आप हमें से यही शिकायत करते हैं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे बोलना नहीं आता है, मेरे को पढ़ना नहीं आता है, मुझे डर लगता है पढ़ने के लिए। वो ये लोगों को सामने आपको पढ़ने के लिए डर लगता है, आपको डर लगता है? मुझे भी बहुत डर लगता था, ऐसे काम करता था, मेरा उठना ऐसे ऐसे टकरा देते फादर बनने से पहले, बहुत घबराता था। मारे यीशु ने मैंने एक ही प्रार्थना किया, यदि तू मुझे फादर बनाता है तो मुझे मुझसे ये जो डर है उसे निकाल दूंगी। 7 दिन प्रार्थना होती है फादर बनने के पहले, कितना दिन? 7 दिन में एक ही प्रार्थना किया, यदि तू मुझे फादर बनाता है मुझसे मुझ में जो डर है उसे निकाल दे तो मैं फादर नहीं बनूंगा। और 8वां दिन फादर बना और 9वां दिन मेरा पहला हिस्सा जिस सेमिनरी में मैं पढ़ा नागपुर में, वहां लोगों के सामने खड़े होने से मेरा घुटना हिलता था ऐसा। इसलिए मैं बहुत कम सामने जाता, कोई भी कभी भी मेरा पारी आती है मेरा दोस्त आज तू पढ़ लेना प्लीज, ऐसे बोलते मैंने 10 साल मैंने बिता दिया, पूरा कर दिया। अभी आखिरी समय आया फादर बनने के लिए। और जब मैं पहला हिस्सा डालने के लिए गया फिर वहां का फादर ने यही बोला, रेक्टर ने, फादर राज तुमने तो ऐसे हिस्सा डाला कि जैसे कि तुम 10 साल से पुरोहित हो। तो इतने आत्मविश्वास, जब ईश्वर हमें बुलाता है उसका कार्य करने के लिए हमें शक्ति देता है, बल देता है। और इसलिए हम कितना भी मूर्ख है, कितना भी कमजोर है, कितना भी अनपढ़ है, यह मत बोलिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। यदि आप में उत्सुकता है प्रभु के लिए कुछ कार्य करने के लिए, आपके दिल में इच्छा है, तो ईश्वर आपको सामर्थ्य भी देगा, जैसे मुझे दिया, जैसे प्रेरितों को दिया। और इसलिए हमारी एक व्यक्ति प्रभु की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इसलिए वचन कहता है मूर्ख लोगों को, कमजोर लोगों को चुनकर ईश्वर हमें सामर्थ्यवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। आगे चलकर पढ़ेंगे लोकस 14:26 में, लोकस 14:26 पेज नंबर 121 मैथ्यू। ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़ कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तो बोलिए, यहाँ ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह जा रहा था, बहुत भीड़। अरे यीशु किसको बोल रहे हैं? भीड़ से कहते हैं इन्हें, आप जैसे साधारण लोगों से कहते हैं, ना कि सिर्फ फादर और सिस्टर से, मगर साधारण लोगों से जो मेरा अनुसरण करना चाहता है। क्या कहा उनसे? यदि कोई मेरा पास आता है, बोलिए, और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहने और यहां तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता,
जीवन में त्याग होना चाहिए, माता पिताओं से भय करना चाहिए। जो ईश्वर ने पांचवा हुक्म में बोला कि नहीं, माता पिता का आदर करना, यहां बोलता है भय करना, ये कैसे संभव है? रोशन दसों में बोलता है पांचवा हुक्म में तुम माता पिता का आदर करो, और यहां बोलता है तुम माता पिता भाई बहन रिश्तेदार से क्या करना है? भय करना। इसका मतलब भोजन करने वालों में
नहीं, योहन 14:15 पेज नंबर 170 170 यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यस, आप लोग बोलिए यदि मुझे, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो यही प्रमाण है हमारा, आपका और मेरे जीवन में यीशु का हम सच्चा प्यार करते हैं। क्या प्रमाण है? आज्ञाओं का पालन। आज्ञाओं का पालन जब आपको अच्छा लगता है उस समय नहीं, आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको परीक्षा है ना हो, शादी है ना हो, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से ही प्रमाण देते हैं यीशु को, मैं आपको प्यार करता हूं या प्यार करती हूं। और ईश्वर की आज्ञा है हम हर एक हफ्ता ईश्वर के मिस्सा बलिदान में भाग लें, ये ईश्वर के आदेश है। हफ्ता में एक बार 6 दिन तुम काम करोगे और 7वें दिन तुम प्रभु के लिए अर्पित पवित्र बलिदान चढ़ाने के लिए मंदिर आओ। ईश्वर के आदेश है। कितने लोग ईमानदारी से पालन करते हैं? और जो ईमानदारी से पालन करेगा वह यीशु की सच्चा अनुयायी है, नहीं तो वह धोखेबाज है। कोई दम नहीं है क्रिश्चियन जीवन में, कोई दम होना चाहिए। होना चाहिए जब हम प्रभु के लिए आज्ञाओं को पहला स्थान देते हैं, कुछ भी हो जाए, सारे पाकस मेरे सर ऊपर क्यों ना गिरे, मुझे आज जाना है। ईश्वर के आदेश है। और जो ईश्वर के आदेश का पालन करता है उसके जीवन में चमत्कार होती है। हम सभी जन चमत्कार चाहते हैं। हमारे जीवन में चमत्कार होगी जब ईश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करते हैं। पहला चमत्कार माता मरियम ने सेवकों से कहा, वो जो कुछ कहेगा वो करो। अब उन्होंने आज्ञा मानी है, वो जो कुछ कहेगा, यानी यीशु जो कुछ कहेगा वो करो। और यीशु ने बोला पानी भर दो। इन्होंने प्रश्न नहीं किया, यीशु के आदेश है पानी भरो, लबालब पानी भर दिया। चमत्कार हुई कि नहीं? ईश्वर की बातों पर हम प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये कैसे हो सकता है, 6 मटके में पानी क्यों बनना है, पानी कितना है, उसे प्रश्न नहीं किया। यीशु ने बोला 6 मटके में पानी भरो, आज्ञा मानना है, विश्वास, क्योंकि प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। अब उसने वचन को माना, पानी भरा और कब पानी रहा दाखरस में बदला पता ही नहीं चला। लेकर प्रबंधक के पास ले जाओ, बोली आज्ञा, प्रबंधक के पास ले जाओ आज्ञा। जब आज्ञा माने रास्ते में ही चमत्कार हुआ, पानी दाखरस में बदल गया। तो यही हम देखते हैं, जब कभी हम ईश्वर के ऊपर डाउट ना करते हुए, संकोच ना करते हुए ईश्वर की आज्ञाओं को, जैसे बच्चे मां बाप की बात मानते हैं, आजकल के बच्चे नहीं है, छोटे बच्चे मानते हैं, सबसे छोटे बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत बदमाश है, मानते नहीं, मम्मी बोलती नहीं बाप में कितना है, उसने बात नहीं मानता है। पर जब आज्ञा मानेंगे, ईश्वर की आज्ञा मानेंगे, वहां क्या होगा? चमत्कार। आपके घर में चमत्कार देखना चाहते हो, ईश्वर की आज्ञा मानी है, नहीं तो हम कितना भी सर पढ़ के प्रार्थना करेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे तो ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता है। और चमत्कार होती है हमारे जीवन में, होगा जब हम ईश्वर के हर आज्ञाओं को मानते हैं। अभी हम देखते हैं विशाल जन समूह में मुड़कर यीशु ने कहा, और इन विशाल जन समूह में किस प्रकार के लोग थे? 3 प्रकार के लोग थे इस विशाल जन समूह में, 3 प्रकार के लोग थे। पहला किस्म के लोग है कन्विंस्ड। कन्विंस्ड लोगों क्या बोलेंगे? ये वे लोग हैं जो किसी विषय पर पूर्ण रूप से तय होना, यस जो बोल रहा वो सही है, कन्विंस्ड। और दूसरे किस्म के लोग हैं क्यूरियस लोग हैं। क्यूरियस लोग कौन है? ये वे लोग हैं जिसको कहते हैं जिज्ञासु, हिंदी में जिज्ञासु बोलते हैं, जो क्यूरियस रहते हैं, अरे वहां क्या बना, यहां क्या बना, उसने क्या बात कर, अरे दही में लेकर क्या लेके जा रहा, वो सब कुछ जानना चाहते हैं, उत्सुकता है, उत्सुकता सही बात के लिए नहीं, दूसरों में क्या बना उसको मालूम होना चाहिए। और तीसरे प्रकार के लोग है कमिटेड, यानी समर्पित लोग है, कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के लिए समर्पित हूं, मेरा जान भी क्यों ना चला जाए और मुझे जाना ही है, समर्पित है।
तो आपको देखना है आप कौन सा कैटेगरी में आते हो, समर्पित लोगों में आते हो, कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के लिए जान दूंगा काम करूंगा, क्यूरियस लोग है, सिर्फ क्यूरियस लोग है यानी जिज्ञास लोग है, जो ये वे लोग है घंटी बजने के बाद चर्च में आएंगे टाइम फुट बांध कर हाथ पर खड़े चर्चा करेंगे और मिशन खत्म होने के बाद बाहर खड़े हो जाएंगे और वहां चर्चा करेंगे, अरे क्या हो कर रहा है, ये ऐसा करना था, उसको ऐसा करना था, फल बकवास कर रहा है, तो वैसा क्यूरियस लोग मैं उंगली लगाने नहीं चर्च की सेवा करने के लिए ये हाथ नहीं बढ़ाएंगे, बाहर बाहर खड़े होकर चर्चा करेंगे, तुम आ जाओ ना आ जाओ हम बात करेंगे, ये क्यूरियस लोग है, वो ऐसा क्यों बोला या ये ऐसे क्यों करता है, अरे उनका भी दिमाग आएगा ऐसा नहीं करना चाहिए, अब वही लोग बोलते हैं फादर को करना चाहिए, रोड का काम हो रहा है फादर कहते हैं उसको काम करने वाला ये होने से बोलना चाहिए, ऐसा करो मट्टी डालो ये डालो, कि चर्च फादर का है, चर्च जितना मेरा है उतना ही आपका है, फादर को आदेश देते हैं, फादर को जाकर उसको बात करना उससे मिलना, ये क्यूरियस लोग है, कुछ करना नहीं चाहते हैं उंगली उठाना नहीं चाहते हैं, मगर जो कुछ कार्य हो रहा उसमें गंदगियां ढूंढेंगे, उसको ऐसा करना था इसलिए ऐसा करना था, बहुत गंदा दिमाग खराब कर रहे यार उसको जो कराना चाहिए ऐसा आपस में माफी करेंगे, ये लोग है क्यूरियस लोग जिज्ञास लोग, क्या आप उस ग्रुप में आते हो। दूसरे ग्रुप के लोग है कन्विंस्ड, यानी उनको दृढ़ धारणा है ईश्वर है चर्च है फादर है सब कुछ ठीक है, मगर वे लोग ऐसे ये ऐसे वे लोग हैं जो कम से कम चर्च के लिए करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपेक्षा करेंगे, ज्यादा मुझे मिलना चाहिए ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, मगर करने के लिए बहुत कम से कम होगा तो थोड़ा सा काम कर लेंगे मगर ज्यादा नहीं करेंगे, उनकी शारीरिक उपस्थिति चर्च में रहेंगे मगर आत्मिक रूप से वे खोखला है खाली है अंदर कुछ भी नहीं है, कन्विंस है घर में प्रार्थना करेंगे चर्च भी आएंगे मगर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, 20 साल पहले जैसे था आज भी उतना ही, 20 साल पहले जितना प्रभु के ज्ञान था आज भी उतना ही ज्ञान है, 20 साल पहले जितना भक्ति था उतना ही आज भी भक्ति है, यानी आदमी के जीवन में उन्नति के लिए उनके पास जगह नहीं है, हालांकि लोगों को दिखेगा अरे ये तो हर तक चल जाता है, क्या मैं आदमी की जन उन्नति कर रहा हूं, क्या मुझ में प्रार्थना करने के लिए उत्सुकता है इच्छा है, क्या मुझे चल जाने के लिए तड़पता हूं हर संडे कब आएंगे मैं चल जाऊंगा, हालांकि कन्विंस्ड है वो तय किया है मैं अच्छा क्रिश्चियन हूं मैं जानता हूं मगर वो करना नहीं चाहते, ये दूसरे किस्म के लोग हैं। और तीसरे किस्म के लोग हैं समर्पित लोग हैं, जो उन्होंने अपना जीवन यीशु ने बोला जो मेरा अनुसरण करना चाहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, यीशु के नाम से क्रूस उठाकर चलने के लिए, क्रूस क्या है कंधे पर लकड़ी लेकर जाना नहीं, अपने क्रिश्चियन जीवन जीने में जो दुख आते हैं तकलीफ आती है, उदाहरण के लिए संडे मिस्सा ठंडी लग रही है मुझे मिस्सा में 8 बजे पहले पहुंचना है, ये समर्पित लोगों का प्रतीक है, अरे आज ठंडी लग रहा है मम्मी चाय पिलाओ मैं आओ सो जाऊंगा, ये समर्पित लोगों का प्रतीक है नहीं, और समर्पित ये वे लोग है जो अपने कलीसिया के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, आज तक अभी तक आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके फादर से पूछा फादर मैं चर्च के लिए कुछ करना चाहता हूं, बोलिए क्या काम करना, किसने पूछा अपने आप में दिल में प्रश्न पूछिए जवाब दीजिए, कितने लोग आपके फादर से पूछा, अभी क्रिसमस हुआ कितना काम हुआ, फादर चालू बोलेंगे फादर डेकोरेशन बहुत अच्छा किया बहुत सुंदर लग रहा ऐसा मैंने कभी देखा नहीं फादर, क्या आपने ये कुंगली उठाया आपने आकर पूछा क्या फादर मैं चर्च के लिए इतने काम हो रहा है कुछ करता करना चाहता हूं, समर्पण नहीं है कमिटेड नहीं है धोखेबाज है, हमारा प्रभु के प्रति दिल में सच्चा प्यार नहीं है, मैं लेना चाहता हूं चर्च से मुझे क्या मिल सकता है मैं चर्च के लिए क्या दे रहा हूं, जो चंदा देना दे तो हो गया अपना काम, पैसे से काम नहीं होता लोगों की जरूरत है सेवा कार्य के लिए जरूरत है, हम में से हर एक व्यक्ति जवाबदार ईमानदार क्रिश्चियन बनकर जीवन जीना है तो पूछिए फादर से फादर मैं चर्च के लिए क्या काम करूं, इतना काम रहता है ना तो क्रिसमस के समय ईस्टर के समय थ्रू आउट, जब हमारे दिल में ईश्वर के प्रति कलीसिया के प्रति सच्चा भक्ति नहीं है प्यार नहीं है ये सच्चा क्रिश्चियन
समर्पित होकर प्रेरितों ने यीशु को अपना जीवन समर्पित किया और उसका पालन किया जीवन के हद तक। हम सबों को यीशु के प्रति समर्पित होकर जीवन जीना है, नहीं तो उसमें कोई लाभ नहीं। फिर हमारे जीवन में चमत्कार कहां से होगी, हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे होगी जब तक हम यीशु के प्रति कलीसिया के प्रति समर्पित नहीं है। देखिए आपका जीवन यीशु को जवाब देना। यीशु ने आपको बुलाया, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करो। अभी आपकी पारी है। क्रिस्तीय जीवन जीने में जो बाधा ही है, रुकावट है, सबको पार करके मुझे प्रभु के सान्निध्य में, प्रभु के चरणों में आना है और जो मुझे ईश्वर के प्रति कर्तव्य निभाना है उसे मैं पूरा करूंगा। संडे इतवार के मिशन में मैं समय पर पहुंचूंगा। आपको बताओ एक महिला सवने से यहां रोजरी के पहले पहुंचती है और यहां पर लोग रोजरी के बाद मिशन घंटी बजने के बाद मिशन में आते हैं, क्या यह समर्पित जीवन का प्रतीक है? जब स्त्री सवने से यहां मिशन के पहले रोजरी के पहले पहुंचती है और हम पास में रहकर बड़ी आराम से, ये किस प्रकार की क्रिस्तीय जीवन है? यीशु हमारा क्रिस्तीय जीवन को देखकर हंसता होगा। देखो यह महिला सामने से यहां पहुंचती है और हम पास में रहकर घंटी बजने की बात आते हैं। ऐसी जीवन से, ऐसा भक्ति से क्या ईश्वर प्रसन्न होगा? कदापि नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, यदि आप में समर्पित जीवन जीने का उत्साह नहीं है गिरिया बताइए, अपमान है, यीशु का अपमान है। इतनी नजदीक रहकर समय से पहले नहीं आ सकते हैं? अगर बीच वगैरह पूछ रहा फादर में कुछ काम करो, कितनी अच्छी लगती है यीशु के प्रति प्यार। ये चर्च मेरा नहीं है, मैं सिर्फ यहां चौकीदार हूं, गिरजा की रक्षा कर रहा हूं, चर्च आपका है। कितने लोग आकर पूछते हैं, नहीं चर्च का क्या है, मेरा मेरा हाथ जोड़ना परम प्रसाद में चले जाना। आओ यीशु ऐसी आपकी भक्ति से प्यार से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होगा। यीशु को चाहिए समर्पित लोग, नहीं तो हम दो के मांझे हैं, वेस्टिंग ऑफ टाइम। आगे चलकर आप पढ़ेंगे मत्ती 8:19 में, मत्ती 8:19 उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उनसे कहा, डोगरियों की अपनी मादे है और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। ये शास्त्री, शास्त्री लोग कौन होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ये अंद्रयास, पेत्रुस, योहान, ये सब साधारण मछली पकड़ने वाले अनपढ़ लोग। यीशु तो उनको बुलाया, मगर ये पढ़े लिखे लोगों को यीशु ने बुलाया नहीं, मगर वो स्वयं आकर यीशु को देख बोलता है, मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने यीशु के चमत्कारों को देखा है। यदि मैं यीशु के पास जाऊं मुझे कुछ लाभ मिलेगा, कुछ पाने की आशा रखकर वो यीशु के पास, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आपके पीछे रहना चाहता हूं। मगर यीशु उसके दिल को पढ़ते हैं, जानते हैं क्या इस शास्त्री के दिल में सच्चा प्यार है मेरे प्रति। कुछ पाने की आशा रखकर आता है, कुछ करने की आशा रखकर नहीं। और इसलिए यीशु अपने गरीबी के बताते हैं, लोमड़ियों को अपने मादे हैं, पक्षियों को अपने घोंसले, पर मानव पुत्र को सर रखने के लिए भी जगह नहीं करके अपनी गरीबी को बताते हैं। और वो शास्त्री प्रभु से हट जाता है। तो गरीबी लोगों को जो अनपढ़ है, गवार है, ईश्वर उन्हें योग्य बनाता है, और पढ़े लिखे लोग बुद्धिमान है, होशियार, वे प्रभु के कार्य करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? वे अपना घमंड किया, घमंड करेंगे। आगे चलकर पढ़ेंगे मत्ती 8:21 में, 8:21 शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ,
मुर्दों को अपने मुर्दे तक नाने दो। बोलिए, शिष्यों में से किसी ने उनसे कहा, प्रभु मुझे अपने पापियों के मार्ग पर नहीं चलता,
और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस पुरुष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। यस, बोलिए धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है, दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। वही मनुष्य जीवन में सफल होता है जो ईश्वर के नियमों को दिल से चाहता है और उसके अनुसार आचरण करता है। नहीं तो हम कितना भी सर पढ़ के, कितना भी ट्यूशन में क्यों ना चला जाए, कितना भी ओवर टाइम काम क्यों ना करें, हम जीवन में सफल नहीं होंगे, हमारे बच्चे तितर बितर हो जाएंगे। जो माता पिता अपने बच्चों को ईश्वर के सानिध्य में लाने से छोड़कर ट्यूशन मास्टर के सानिध्य में ले जाते हैं, आशीष कैसे प्राप्त करेंगे? पर दसवीं है ना, दसवीं में ट्यूशन लेना ही है। जी हाँ, दसवीं में भी ट्यूशन, उससे भी बढ़कर है ईश्वर के नियम के पालन। अभी आप निर्णय करो, ट्यूशन जाना है, ईश्वर को प्रसन्न करना है, या आपका बेटी की भविष्य देखना है। आपकी भविष्य, बेटी की भविष्य, बेटे का भविष्य ईश्वर के हाथ में है। यर्मिया के ग्रंथ अध्याय 21 लीजिए। हमारा बच्चों की हम बहुत चिंता करते हैं, भविष्य बनना चाहिए, अच्छा नौकरी लाना चाहिए, भविष्य बनना चाहिए, शादी होनी चाहिए, मगर यर्मिया नबी अध्याय 21, हमारे बच्चों की भविष्य किसके हाथ में? ट्यूशन मास्टर के हाथ में है? नहीं, योजनाएं किसके पास है?
यदि तुम्हारे बच्चे भविष्य में उज्जवल वाला है और नाम कमाना है समाज में चार लोगों के सामने इज्जतदार से खड़ा रहना है तो क्या करना है? जब तुम मुझे पुकारोगे, बोलिए, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। तो हमारे बच्चों की भविष्य उज्जवल होने के लिए हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और जवाब दूंगा। इसलिए हम माँ बाप बच्चों को प्रभु के पास लाने से हम ट्यूशन मास्टर के पास जाते हैं, भविष्य बदलेगा। भविष्य उसके हाथ में नहीं है, हमारे ईश्वर के हाथ में है। जब तुम मुझे पुकारोगे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और जवाब दूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा। संपूर्ण हृदय से ढूंढने का मतलब है ये वे लोग हैं जो समर्पित है, जो सामने से यहां चर्च में आते हैं रोजरी माला शुरुआत होने के पहले, ये समर्पित लोगों के प्रतीक है। संपूर्ण हृदय से ईश्वर को ढूंढना है और जब इस प्रकार हम संपूर्ण हृदय से ईश्वर पर भरोसा रखकर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे ईश्वर हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाता है, ना कि ट्यूशन मास्टर। और इसलिए हमें यीशु के पास लाने की जरूरत है, बच्चों के लिए प्रभु के पास लाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। भविष्य बदलेगा, उज्जवल होगा, चार लोगों के सामने इज्जतदार जैसे खड़े होकर दुनिया में जिएंगे जब हमारे बच्चों के लिए ईश्वर की आशीष। इसलिए बच्चे होशियार रहो, प्रभु के आशीष के बिना तुम्हारे जीवन में कुछ होना ही नहीं। इसलिए यीशु यूहन्ना के सुसमाचार बोलता है 15 में, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा तुम्हारा जीवन बहुत फलदायक होगा। इसलिए बहाना मत करो, मेहमान आ गया है, आज पिकनिक जाना है या गोवा टूर जाना है, शादी में जाना है, हर जीवन के हर कदम में हम प्रभु को पहला स्थान देना है। फिर आपके देखिए आपके जीवन में चमत्कार, आपके बच्चे कितने उज्जवल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे और जीवन में उन्नति करेंगे, ईश्वर की आशीष करेगा, बहुत कुछ होगा। इसलिए ईश्वर कहते हैं यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। संपूर्ण हृदय से ढूंढने का मतलब है गांडी बजने के बाद चर्च में आने संपूर्ण हृदय, ये लापरवाही है। दो उसकी हिसाब से उठाना, क्या मैं जीवन जो मेरा अनुसरण करना चाहता है क्रूस उठाए, एक क्रूस है। उस दिन इतवार के दिन नींद कम करो, जल्दी उठो, टाइम हो गया 5 मिनट पहले आज उठना, बोलो फादर से मैं चर्च के लिए क्या कर सकता हूं। कितनी सुंदर बात, यीशु देखता है मेरा बेटा इतना जल्दी आया, मेरा चर्च के लिए कलीसिया के लिए कुछ करना चाहता है। ऐसे लोगों से ईश्वर प्रसन्न होता है, ना कि गंदी बजने के बाद आना आज जो मैं जैसे फादर कितना अच्छा लग रहा है, फादर बहुत सुंदर बनाया आपने, वेरी गुड। ऐसा तारीफ करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, पर समय से पहले आपने पूछा फादर से, फादर मैं चर्च के लिए क्या करूं। जी हम प्यारे बहनों हमारा क्रिश्चियन जीवन समर्पित होना चाहिए। जिज्ञास लोग जैसे ने बाहर खड़े होकर बात करना, क्या गलती कर रहा फादर, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फादर को वहां से आदेश देना, फादर वो रोड वालों से मिल लेना काम हो जाएगा अपना। जिज्ञास लोग नहीं, क्यूरियस लोग नहीं, कन्विंस लोग नहीं, मगर प्रभु के लिए चाहिए समर्पित लोग। मन बना लीजिए, प्रभु आज मुझे प्रेतों के समान समर्पित बनाइए, मेरे जीवन में मैं सबसे पहला स्थान, मृत्यु भी क्यों ना हो, मेरे बच्चे भी क्यों ना हो, मेरा पत्नी भी क्यों ना हो, मैं प्रभु की आज्ञाओं का पालन करूंगा। और जिस व्यक्ति के दिल में वो शास्त्री जैसे नहीं प्रभु मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं, पर यीशु उसके दिल की बात को जाना, नहीं तू मेरा अनुसरण नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे दिल की बातों को भी जानने वाला परमेश्वर आज हम सबों से समर्पित क्रिश्चियन जीवन जीने के लिए बुला रहा है। यीशु को धन्यवाद दीजिए, उसने हमें बुलावा दिया है जीने के लिए, शक्ति और कृपा मांगिए, यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देने के लिए शक्ति मांगिए। इसी वरदान के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे।